हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है क्या सीखेंगे, आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर इनका टोटल होके आ रहा है और टोटल का भी टोटल होके आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के जितने बच्चों ने मार्क्स गेन किए उनका भी टोटल होकर आ रहा है। तो ये एक ही बार में आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों साइड के। ये मैंने आपको सिखाया है एक वीडियो में, आप बोलिएगा, मैं लिंक दे दूँगा अगर आपको ये सीखना है। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें चार्ट क्रिएट करना है। चार्ट क्रिएट करना तो बहुत आसान है, आप यहाँ पर इसको सिलेक्शन में लीजिए, इंसर्ट टैब पे जाइए और यहाँ पर आप अगर आपको कॉलम चार्ट बनाना है तो यहाँ से कॉलम चार्ट डिज़ाइन कर लीजिए, ये बन गया कॉलम चार्ट। लेकिन हमें ऐसे करना नहीं है, हमें क्या करना है वो आपको बताता हूँ। देखिए, हमें जो चार्ट बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है कि हम सिर्फ शॉर्टकट की का यूज़ करें, वो चार्ट हमारे पास क्रिएट होकर आ जाए। तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट की यूज़ कीजिए, आप पूरे डेटा को सिलेक्शन में लीजिए और कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो आपको रिलेटेड चार्ट मिल जाएगा, यानी कि आपने जो बनाया है डेटा उसके लिए ये चार्ट डिज़ाइन होकर अपने आप आ जाएगा। तो ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं चेंज कर दूँ 3D में, तो ये देखिए ये 3D में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।